तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के बीच जाना चाहते हैं, बिहार के हालात को देखना चाहते हैं, समस्या को समझना चाहते हैं। तेजस्वी 2025 में इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। 2024 में जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट किया उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव ने यात्रा पर जाने का ऐलान किया। एक तारीख आई अगस्त के महीने में, 15 अगस्त के बाद वो तारीख बीत गई। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में कई जगहों पर लोग परेशान हैं, कई जगहों पर बाढ़ से हालात बने हुए, ऐसे में वो लोगों के बीच किस मुंह से जाएंगे। थोड़ी सी तस्वीरें बदलेगी तो तेजस्वी ने कहा कि हम सितंबर के महीने में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और एक और संभावित जो तारीख है वो निकल कर सामने आई है। यह तारीख 10 सितंबर बताई जा रही है कि 10 सितंबर से बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे और ये यात्रा 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर निकाली जा रही है। तेजस्वी यादव का मानना है कि यात्रा में जब वो जाएंगे तो लोगों की समस्या सुनेंगे और उसे दूर करने का सीधे तौर पर प्रयास करेंगे। सरकार अगर बनेगी तो उन समस्याओं का निदान सबसे पहले होगा, ऐसी सोच तेजस्वी यादव खुद बता रहे हैं। हालांकि जिस वक्त मैं यह खबर बता रहा हूँ उस वक्त तेजस्वी खुद पहले ही सड़क पर उतरकर बिहार और बिहार के लोगों के लिए आज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा का नाम जन संवाद यात्रा रखा गया जो अभी तक संभावित है, बदलाव भी हो सकते हैं ये चर्चा भी है। आपको बता दें कि जो तारीख आई है, जो यात्रा के लिए जो जानकारी आई है, वो आप हमारे वेबसाइट firstbihar.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये खबर हमारे साथी तेज प्रताप ने लिखी है। तेज प्रताप ने जो खबर लिखी है वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे पीछे स्क्रीन पर तेजस्वी यादव की ये उस यात्रा की तस्वीर है जब तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में शामिल थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा। गठबंधन टूटते ही तेजस्वी डिप्टी सीएम से नेता विरोधी दल बने और उसके बाद तेजस्वी निकल गए लोगों के बीच में, फिर चुनाव प्रचार के बीच निकला। इस तरीके की कई तस्वीरें आई जब तेजस्वी बस पर कभी सवार थे, कभी मंच पर सवार थे और इस तरीके की भीड़ उनकी सभाओं में आ रही थी। तब की तस्वीर है, तस्वीर पुरानी है लेकिन कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें फिर से आपको दिखाई पड़ सकती है। तो तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा करेंगे, जो संभावित तारीख है उसका चर्चा किया गया है। मिथिलांचल के इलाके पर फोकस करने की बात इस खबर में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार के संबंधित तमाम राजनीतिक पार्टियां आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी कमर कस लिए हैं और राजद नेता एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी सोच को रखने वाले हैं कि उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ किया है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा है। दरअसल तेजस्वी यादव की यह कोशिश है कि वो इस बार यात्रा पर निकले तो वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वो राजद की रणनीति को बिहार के कोने कोने में पहुंचा पाए। इस यात्रा के दौरान राजद के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को निशाने पर लेंगे, यह भी कहा चर्चा किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव और इनके जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदों के हिसाब से प्रदर्शन भले ही बेहतर नहीं कर पाए हों लेकिन लोकसभा में 4 सीटें जीतने के बाद तेजस्वी यादव का मनोबल जरूर बढ़ा। तेजस्वी यादव का वोट परसेंटेज भी बढ़ा, ये बात खुद तेजस्वी यादव दोहरा चुके हैं। लिहाजा तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट किया, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं किया, उन सभी का धन्यवाद। जिनकी नाराज़गी हमसे है उनके बीच पहुँचेंगे और उनकी नाराज़गी दूर करेंगे। जो हमारे साथ है उनके साथ और मजबूती से खड़े होंगे। इस तरीके की तमाम सोच के साथ तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिस यात्रा का नाम उन्होंने फिलहाल जन संवाद यात्रा रखी है, जिसमें लोगों के बीच जाकर मिलना है। तेजस्वी का कहना था कि इस यात्रा में उनके पार्टी के नेताओं का हुजूम नहीं बल्कि बिहार के गाँव के लोग, बिहार की जनता, बिहार के स्थानीय लोग, जिस इलाके में वो जाएंगे वहाँ के लोग मौजूद होंगे। अब इस यात्रा के रूट की चर्चा कर लें। इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने जो प्लान किया है वो तकरीबन एक बार तेजस्वी यादव निकलेंगे तो कम से कम 1 सप्ताह या 4 दिन तक वो किसी एक जगह या एक ज़िले या उस ज़िले से सटे हुए इलाके में घूमेंगे। उसके बाद उनकी यात्रा वापस पटना लौटेगी और फिर वो पटना से निकल जाएंगे। इस बीच तेजस्वी यादव का जो वर्क है, जो उन्होंने होमवर्क किया,
इसमें उन्होंने कई तरीके की तैयारी की है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में सड़क मार्ग और रेल सेवा से भी जाने का उन्होंने प्लान किया हुआ है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जब वो पटना आए तो पटना कम वक्त गुजारें। तेजस्वी अपनी यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोगों के बीच में गुजारना चाहते हैं, लिहाजा उनकी यात्रा के चरण को लेकर फिलहाल स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन जो जानकारी है उसमें कहा जा रहा है कि कई चरणों में यह यात्रा होगी। लेकिन तेजस्वी ज़्यादातर वक्त यात्रा के दौरान बाहर ही रहेंगे। इसके पहले राहुल गांधी भी यात्रा कर चुके हैं और लगातार वो यात्रा में बाहर रहे हैं। तेजस्वी भी उसी नक्शे कदम पर अब आगे बढ़ने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उसका रिजल्ट मिल चुका है। तेजस्वी ने देखा है कि लोगों के बीच रहने का फ़ायदा क्या होता है। तेजस्वी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लोगों के बीच गए थे यात्रा के दौरान, और उस यात्रा का रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को देखने को मिला है। उसकी सफलता से भी तेजस्वी यादव गदगद है, लिहाजा वो एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यात्रा पर जाने वाले हैं। और अब तेजस्वी यादव की यात्रा की जो तारीख है, जिसकी जानकारी निकल के सामने आई है, वो ये है कि तेजस्वी यादव 10 सितंबर से जनसंवाद यात्रा बिहार के समस्तीपुर जिला से कर सकते हैं। प्रथम चरण में उनकी यात्रा मिथिलांचल के क्षेत्र में होगी। यह इलाका कभी राजद का गढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भले इस सीट से या इस इलाके से तेजस्वी यादव को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के तारीखों का ऐलान इसी इलाके से किया है। तेजस्वी यादव समस्तीपुर में 10 से 11 का जो कार्यक्रम हो जो वो निकल के सामने आया है। वहीं 12 और 13 सितंबर को वो दरभंगा में रहेंगे, जबकि 14 और 15 सितंबर को मधुबनी में रहेंगे। इस दौरान उनके साथ कोई भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता नहीं रहेगा। वे स्थानीय नेताओं से जिलों में मिलेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम का अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जारी होने के बाद से ही अपनी यात्रा का ऐलान उन्होंने किया था, और अब वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। फिलहाल ये 4 दिनों के यात्रा का, 6 दिनों के यात्रा का जो पूरा जो एक सप्ताह की यात्रा का जो पूरा शेड्यूल है वो मोटा मोटी जो है वो जारी किया गया। हालांकि अभी भी बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल 10 से तेजस्वी यादव जब निकलते हैं समस्तीपुर के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में, दरभंगा में, मधुबनी में, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उधर की तस्वीरें क्या होती है, क्योंकि तेजस्वी इस बार इस जनसंवाद यात्रा में अपने पार्टी के नेताओं से दूरी बनाकर बिहार के लोगों से जुड़ने की कवायद करने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।